नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूँ आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उपचुनाव के प्रचार अभियान में भाजपा से पिछली कांग्रेस, कमलनाथ की तुलना में शिवराज ने की 3 गुना ज्यादा सभाएं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव के अंतिम दौर में मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप एक पखवाड़े चले धुआंधार चुनाव प्रचार के आंकड़ों के नजरिए से देखें तो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा कांग्रेस पर हावी होती दिख रही है। ड्रग्स से प्रतिबंध हटाने के बयान पर बोले नरोत्तम, पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश। देश में बढ़ते ड्रग्स केस की संख्या और युवाओं का ड्रग्स के प्रति रुख कई तरह के बाद वाद विवाद को जन्म दे रहा है। दरअसल देश के जाने माने कानून विवाद और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने ड्रग्स को गुटखा, शराब, सिगरेट की तरह छूट दिए जाने की वकालत की है। वहीं अब इस मांग पर सियासत गर्मा गई। राज्यसभा सांसद के इस बयान पर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ा पलटवार किया है। फिर बड़े पेट्रोल और डीजल के दाम, एमपी में पेट्रोल 120 के पार। बढ़ती महंगाई हर तरफ से आम आदमी की कमर तोड़ रही है, तो वहीं दिन प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेल कंपनियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में आज यानी गुरुवार 28 अक्टूबर को 30-30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिन प्रतिदिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। बाजारों में ना लगे जाम, इसके लिए बनाई गई यातायात व्यवस्था। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मार्केट में नहीं आ सकेंगे व्हीकल्स। दीपावली का त्यौहार आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई शॉपिंग के लिए बाजार आ रहा है। इस कारण देखा जा रहा है कि कई जगहों पर जाम की स्थिति बन रही है। आने वाले दिनों में यह भीड़ और भी ज्यादा होगी, इसलिए इसको देखते हुए मध्य प्रदेश के रतलाम में यातायात पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पूरे बाजार में क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की है। बेरागढ़ और धर्मशाला की सौगात दी, अब गरीबों का कंबल वितरित करेगी संस्था। राजधानी में संत हिरदाराम नगर को धर्मशाला की सौगात देने वाली संस्था सिंधु नव जागरण समिति ने अपनी स्थापना के 53 साल पूरे कर लिए हैं। समिति ने अब सर्दी के सीजन में गरीब परिवारों को कंबल वितरित करने का निर्णय लिया है। समिति ने बेरागढ़ में विश्राम के लिए धर्मशाला की कमी को पूरा कर दिखाया। स्वामी देव प्रकाश जी की पहल पर उनके शिष्यों ने धर्मशाला निर्माण में सहयोग दिया। शुभ दिन पर 400 करोड़ रुपए के पार रहेगा बाजार। पिछले कई साल बाद पुष्य नक्षत्र का श्रेष्ठ मुहूर्त गुरुवार को है, जिस दिन शुभ कार्य करना उत्तम है। कोरोना के बाद ऐसे मुहूर्त पर हर कोई दीपावली से पहले लेन देन करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि जिस ढंग से सरकार से सरकारी कर्मियों को वेतन डीए में इजाफा किया है, उसी प्रकार इसका असर भी दिखेगा बाजारों में। व्यापारियों को उम्मीद है कि जबलपुर में 400 करोड़ रुपए से पार किया जाएगा। घर से बाहर कचरा फेंकने वालों पर निगम लगाएगा जुर्माना। शहर में कचरा कलेक्शन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए निगम आयुक्त संदीप जीआर ने मानस भवन स्थित स्मार्ट सिटी के मिनी हॉल में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में संभाग स्तर पर सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी लेते हुए सफाई व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान निगम आयुक्त ने उपस्थिति स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सभी मापदंडों से भी बारीकी से अवगत कराया और स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने तथा शहर के कोने कोने में व्यापक प्रचार प्रसार के तहत स्वच्छता को माहौल बनाने तथा क्षेत्रीय लोगों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के निर्देश दिए। महंगाई पर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, यह हर थाली में नजर आती है, कमलनाथ ने कहा। खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रेगांव विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भरोसा है कि जनता सच्चाई का साथ देगी। मतदाता झूठ फरेब की राजनीति को पहचानता है। आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और इसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। भोपाल में जाम से मिलेगी राहत। कलियासोत नदी पर ब्रिज की अप्रोच, रोड लाइटिंग बाकी, 20 नवंबर तक करेंगे पूरा कोलार। मेन रोड से 30% कम होगा ट्रैफिक। भोपाल के कोलार से शहर की ओर आने जाने के लिए जल्द ही एक नई राह मिलने वाली है। जेके अस्पताल के पास कलियासोत नदी पर ब्रिज का काम लगभग पूरा हो चुका है। अप्रोच रोड बनाने के लिए लाइटिंग का बाकी बचा काम भी 20 नवंबर तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं 21 नवंबर को इसके ऊपर ट्रैफिक शुरू करने का प्लान है। ब्रिज शुरू होने से कोलार की मेन रोड से ट्रैफिक का दबाव 30% कम हो सकेगा। तापमान आया 14 डिग्री सेल्सियस पर, बंद हुए एसी कूलर, दिन में भी रहेगी राहत। जम्मू कश्मीर से पश्चिम विक्षोभ गुजर जाने के बाद अब मौसम बदलने लगा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने से तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे रात में ठंड गहरा गई, सुबह के समय ठंड के कारण कपकपी रही। इस बदलाव से लोगों को हैरान कर दिया है।
तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।